टीवी और फिल्मों के अलावा ओटीटी दर्शकों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। खासकर लॉकडाउन के दौरान शूटिंग नहीं हो पाने की वजह से सीरियल के नए एपिसोड प्रसारित नहीं हो पा रहे थे, वहीं सिनेमा घर भी बंद थे। ऐसे में दर्शकों के पास ओटीटी ही एक ऐसा विकल्प था जहां पे नए नए कंटेंट आ जाते थे। बीते कुछ समय पर नजर डालें तो देशभक्ति पर आधारित कई वेब सीरीज भी रिलीज हुई हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कुछ ऐसी ही वेब सीरीज के बारे में जिसमें देशभक्ति कूट कूट के भरी है और इस रिपब्लिक डे के मौके पर आप इन्हें देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लिस्ट को शुरू करने से पहले मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ। तो दोस्तों, लिस्ट में सबसे पहले आती है वो है द टेस्ट केस। ऑल्टबॉलॉजी के इस सीरीज में निमरत कौर, अक्षय ओबरॉय, राहुल देव, अतुल कुलकर्णी और अनूप सोनी मुख्य भूमिका में दिखे। इसके अलावा चावला का भी इसमें कैमियो रोल था। द टेस्ट केस को नागेश और विनय ने निर्देश किया है। इसकी कहानी कैप्टन शिखा शर्मा उर्फ निमरत कौर के इर्द गिर्द घूमती है। वे महिला सैनिक होने के नाते पुरुष प्रधान दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कैसे करती है, इस बारे में इस मूवी में दिखाया गया है। दोस्तों, जो अगली मूवी लिस्ट में आती है वो है द फॉरगॉटन आर्मी। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज के नज़रिए से फैलाई गई वेब सीरीज द फॉरगॉटन आर्मी आज़ादी के लिए में आज़ाद हिंद फौज का अपने देश को आज़ाद करवाने का जो जज्बा था वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इसका निर्देशन कबीर खान ने किया है। सनी कौशल, शर्वनी, रोहित चौधरी और टीजे भानु सहित अन्य कलाकार इसमें मुख्य भूमिका में दिखाए दिए हैं। दोस्तों, इस सीरीज में आपको सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें भी देखने को मिलेगी और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज है। दोस्तों, जो अगली लिस्ट में आती है वो है बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित वेब सीरीज बोस में राजकुमार राव ने बोस का किरदार निभाया है। इसमें नेताजी के जवानी से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक सभी घटनाओं पर प्रकाश डाला गया है, साथ ही उनकी मौत के अनसुने पहलुओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीरीज में राजकुमार के अलावा उनकी गर्लफ्रेंड पत्रलेखा और नवीन की भी बात की गई है। इसके निर्देशक हसन मेहता रहे हैं। दोस्तों, ये सीरीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बोस से जानकारी आपको इस पूरी सीरीज में मिल जाएगी। उनके बचपन से लेके उनकी आज़ादी की लड़ाई तक की सभी किस्सों को इस मूवी में दर्शाया गया है। लिस्ट में अगली आती है द फैमिली मैन। मनोज वाजपेयी की मुख्य भूमिका वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इसमें एक ऐसा जासूस की कहानी दिखाई गई है जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की समस्याओं से जूझ रहा होता है और असाधारण काम भी कर रहा होता है। सीरीज के निर्देशक राज और डीके ने किया है। मनोज वाजपेयी के साथ इसमें प्रियामनी, शारीब हाशमी, नीरज माधव, शरद केलकर और गुलपनाग मुख्य भूमिका में नजर आए हैं। दोस्तों, इस वेब सीरीज को लोगों ने बहुत सराहा, इस वेब सीरीज को बहुत प्यार मिला और इस वेब सीरीज को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। आप भी इस गणतंत्र दिवस के मौके पर इस वेब सीरीज को देख सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं देखी। दोस्तों, लिस्ट में अगली आती है द फाइनल कॉल। अर्जुन रामपाल ने द फाइनल कॉल के जरिए वेब सीरीज में डेब्यू किया। इसमें वो पायलट करण सचदेव की भूमिका में नजर आते हैं जो स्काईलाइन 504 प्लेन को भारत से ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ान भरते थे। इस दौरान कई कहानियां एक साथ चलती हुई दिखाई दी जाती हैं। वेब सीरीज में साक्षी तंवर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर की भूमिका में नजर आई है। दोस्तों, देशभक्ति से जुड़ी ये भी बहुत अच्छी वेब सीरीज है, इसे भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार।